आप लोगों ने नैनो बनाना जेमिनी के बारे में तो सुना होगा, जिसके अंदर लोग है ना अपनी एक इमेज डालकर उसको पूरी तरीके से बदल देते, किसी नए तरह का आउटलुक दे देते। और रिसेंटली सोशल मीडिया पे बहुत ही अच्छा ट्रेंड चला था जहाँ पे लोग अपनी फोटोग्राफ को अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर रहे थे और एक नया लुक यहाँ पर दे रहे थे। और कई लोगों ने तो ये भी कह दिया था कि ये फोटोशॉप का यहाँ पे किलर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसने जेमिनी को बहुत ज्यादा बूस्ट दिया और जेमिनी का जो सबसे ज्यादा यूजर बेस हो गया वो इंडिया से आने लगा। इवन सरप्राइजिंग चीज ये कि नैनो बनाना को लोग इंडिया से सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं और पहली बार जेमिनी के नया अकाउंट बन रहा है। लेकिन अगर मैं फ्यूचर बताऊं तो सिर्फ एक छोटी सी टिप ऑफ आइसबर्ग है, क्योंकि यहाँ पे जो जेमिनी है वो इससे ज्यादा डीप है, इससे ज्यादा गहरा जा रहा है। और हाँ, मार्केट में इस समय चैट जीपीटी और बाकी एआई को बहुत बड़ी टक्कर यहाँ पर दे रहा है। उसका सिंपल सा रीजन है कि गूगल ने जेमिनी तो यहाँ पर बनाया, लेकिन जेमिनी को सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से एलएलएम तक मौजूद नहीं रखा, उसके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं गूगल के सब जगह तक जेमिनी को एक्सटेंड कर दिया। जिसका बेनिफिट इधर ये पड़ रहा है कि जेमिनी के अंदर जो चीजें आप कर सकते हो वो चीजें बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल होती जा रही है। सिंपल सी बात है कि जेमिनी गूगल का है और गूगल आज के समय में एंड्रॉइड है। ऑलमोस्ट 90% जो मोबाइल फोन है मार्केट वो गूगल के ओएस एंड्रॉइड पर चलते हैं। और गूगल के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है डायरेक्टली जो एआई का जो पुश होता है वो इतने सारे यूजर्स तक एक साथ पहुंचा जा सकता है। इवन लास्ट ईयर उन्होंने सैमसंग के साथ एआई का इंटीग्रेशन किया था, जेमिनी में गैलेक्सी एआई बनाई जहां पे लैंग्वेज ट्रांसलेशन, सर्कल टू सर्च और कई फीचर्स को इंटीग्रेट किया गया था। वो भी सब इस तरीके से इंटीग्रेट किया गया था ताकि लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्यादा से ज्यादा यूज करें और ज्यादा से ज्यादा उसके हैबिचुअल लो। और आज के समय में गूगल के जितने भी प्रोडक्ट है, इवन इंक्लूडिंग यूट्यूब की बात करें, यहाँ तक की बात करें जीमेल की, गूगल वर्कस्पेस के बारे में बात करें, गूगल ड्राइव में बात करें, कहीं भी बात करें, हर जगह जेमिनी और एआई ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे बड़ा इंप्लीमेंटेशन क्या रहा एआई में। जो सबसे बड़ा इंप्लीमेंटेशन आज के समय में जो सबसे ज्यादा बेनिफिट गूगल को जिसने दिया वो नैनो बनाना है। बेसिकली ये एआई इमेज फ्लैश टूल था जेमिनी का, जिसके अंदर जो गूगल है वो जेमिनी एआई का यूज करके यहाँ पर आपके लिए इमेजेस क्रिएट कर सकता है। और ये टोटली एआई जनरेटेड इमेजेस नहीं है, ये एग्जिस्टिंग इमेज को लेके उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता है। तो ये नैनो बनाना काफी अच्छा फीचर है जिसको आज लोग बहुत यूज कर रहे हैं। और किसी को अगर प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग नहीं आती तो सिंपल कमांड लाइन या सिंपल लाइनें लिख के आसान तरीके से आप अपनी फोटो को एडिट कर सकते हैं। तो नैनो बनाना तो काफी अच्छा यूज केस है। सेकंड अच्छा यूज केस BO3 मेरे को लगा, जिसके अंदर आप 8 सेकंड्स का कोई भी AI जनरेटेड वीडियो बना सकते हो और बिल्कुल ही रियलिस्टिक लुकिंग AI वीडियो बनेगा। और अगर आप चाहे तो उसके अंदर साउंड भी ऐड कर सकते हैं, ये भी काफी कमाल का है। और हां, गूगल ने ऑलरेडी प्रॉमिस किया कि 8 सेकंड की लिमिट आने वाले फ्यूचर में और ज्यादा एक्सटेंड भी हो जाएगी, तो यहां पर भी काम हो रहा है। लेकिन सब यहीं तक चीजें नहीं रुकने वाली। आप लोगों ने हाल ही में गूगल सर्च के अंदर AI मोड देखा होगा, यानी कि जब भी आप गूगल सर्च देखेंगे तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर आपको AI मोड देखने को मिलता है, जिसके अंदर गूगल सर्च में सिंपल सी चीज की जाती है कि जो जेमिनी AI है ये आपके मल्टीपल सर्चेस करेगा, जो आपने जो सर्च करी है ना उसको लेके अलग अलग वेरिएंट्स में सर्च करेगा। और यहाँ तक कि वो यहाँ पे क्या करेगा कि जितने भी वेब पेजेस आप पहले या इन दो पन्नों पर आप देखेंगे, कम से कम 40-50-60 वेबसाइट्स को आपस में विजिट करेगा, उन सबको समझेगा, समराइज करके आपको सारी डिटेल सामने ना कर देगा। जिस कारण से आपको पहले क्या होता था कि एक वेबसाइट पे जाने के लिए आपको सर्च करना पड़ता था, फ्लिक क्लिक करना पड़ता था, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती थी, नहीं इस बार जो AI है वो आपके बिहाफ पे सारे काम करेगा और डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको सीधे ला कर देगा। यस, इसी तरीके से चीज काम करेगा। हालांकि गूगल ने प्रॉमिस किया कि जिन वेबसाइट से वो डेटा ले रहा है उसके बैक लिंक यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, ताकि किसी यूजर को और पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर सोर्स तक जा सके। तो ये चीज गूगल ने करी और AI के अंदर इंटीग्रेशन बहुत अच्छा करा। इसके साथ ही जीमेल के अंदर बात करें तो ऑलरेडी हेल्प मी राइट और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स फिक्स करना और आसान तरीके से ईमेल राइटिंग करना, वो यहां तक कि कोई बड़ा ईमेल आया अगर उसे समझने की जरूरत है तो आप आसानी से समराइज कर सकते हैं किसी दूसरी लैंग्वेज का, तो इसलिए ट्रांसलेट हो सकता है। तो इस तरीके के फीचर है। इवन यूट्यूब के लिए भी काफी कमाल के फीचर जेमिनी ने इंट्रोड्यूस करे। फॉर एग्जाम्पल, आजकल आपको इंग्लिश ऑडियो भी ऑप्शन देखने को मिलता है कुछ यूट्यूब वीडियो पे, वो AI का यूज करके। और आने वाले समय में ये चीज और बेटर ही होने वाली है, जिसके अंदर फ्यूचर में यूट्यूब का भी ये होगा कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर ही रिमूव हो जाएगा। यानी कि अगर अभी मैं हिंदी में बात करूँ, सामने वाले को हिंदी समझ में नहीं आती तो उसको बस लैंग्वेज इंग्लिश करनी है, कोई भी जो लैंग्वेज होती है वो चेंज करनी है। जिसका मतलब इधर ये रहेगा कि मैं यहाँ किसी भी लैंग्वेज में बोलूँ, सामने वाले को जिस लैंग्वेज में मुझे सुनना है वो वैसे ही सुन पाएगा, मेरी ही आवाज होगी, वैसी ही टोन होगी, वैसा ही नेचुरल एक्सप्रेशन होगा, इवन जो लिप्स होते हैं मेरे मूवमेंट वो भी उसके हिसाब से चेंज हो जाएंगे। इस लेवल पे यूट्यूब आने वाले कुछ साल में पहुंच जाएगा। ऑलरेडी इस पर काम चालू हो चुका, यूट्यूब ने इसका कंफर्मेशन भी दे दिया। यहाँ तक की बात करें तो यूट्यूब के अंदर किसी वीडियो की समरी चाहिए तो वहां पर भी ऑटोमेटिक चैप्टर चाहिए हो भी। और यहाँ तक कि किसी यूट्यूब क्रिएटर को अगर AI जनरेटेड वीडियो क्रिएट करना है, बैकग्राउंड रिमूव करके कुछ AI डाल लिए तो वो भी चीज यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। यानी ऐसे कई सारे फीचर्स यूट्यूब में इंटीग्रेट हो रहे हैं। और यूट्यूब के बाहर चाहे एंड्रॉइड में ऑलरेडी जेमिनी का ऐप, गूगल का ऐप यहाँ पे पॉपुलर है, जिसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वन ऑफ द कोर एडवांटेज यहाँ पे जेमिनी का दे रही है कि जो जेमिनी लाइव असिस्टेंट देखने को मिलता है, बस कैमरे को आगे पॉइंट आउट करना, उससे
बस बात करना शुरू करनी है कि सामने क्या चीज है, यहाँ पर ये क्या चीज है, आपको सारे आंसर यहाँ पर निकाल कर देगा, इवन इमेजेस भी जनरेट करके देगा। और अगर हम बात करें गूगल पिक्सल 4 में, तो ये जो AI वाली चीज जो अभी क्लाउड में हो रही है, गूगल पिक्सल अपने डिवाइसेस में सारी चीजें अपने फोन के अंदर ही लेकर आ रहा है, यानी कि बिना इंटरनेट कनेक्शन के आप कई सारी AI यूज कर पाओगे, यानी कि लाइव कॉल ट्रांसलेशन बिना इंटरनेट की मदद के, यानी कि अगर मैं हिंदी में बात करूं, सामने वाले को इंग्लिश आती है, तो मेरी आवाज ऑटोमेटिकली इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगी, वो भी सिर्फ फोन के अंदर ही। और सिर्फ इसकी बात नहीं है, यहाँ पे अगर मैं इमेजेस एडिट करना चाहता हूँ तो बोल के एडिट हो जाएगी, यानी कि सिर्फ एक बटन दबा के बोल रहा है कि यार मेरी शर्ट का कलर चेंज कर दो, बैकग्राउंड चेंज कर दो, मेरे हेयर स्टाइल बदल दो, ये सारी चीजें मोबाइल फोन खुद कर लेगा। इवन अगर मैं मोबाइल फोन के अंदर अगर बेकार फोटो भी ले रहा हूँ, उस फोटो को सही करना है, फिक्स करना है, तो ऑटोमेटिकली उसकी फ्रेमिंग वगैरह सब एडजस्ट कर देगा, यहाँ तक कि ऑटोमेटिकली अपनी इमेजेस को क्लियर कर देगा। और किसी को अगर मोबाइल फोन से फोटोग्राफ लेना नहीं आता, तो AI उसको डायरेक्ट करेगी अपने मोबाइल फोन को सही पोजिशन करें, ताकि आप अच्छे तरीके से फोटोग्राफ ले पाए। ये कुछ कमाल के फीचर्स यहाँ पे गूगल अपने पिक्सल फोन में ऑलरेडी इंटीग्रेट कर रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही तक इंटीग्रेशन होगा, पिक्सल से निकल के चीजें दूसरे फोन्स में भी जाएंगी जिनके अंदर हार्डवेयर कैपेबल रहेगा, और धीरे धीरे चीजें उठ के आपके बाकी फोन्स तक भी पहुंचेंगी। और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। मतलब बात करें तो जेमिनी सिर्फ देखा जाए तो आपका एक चैट बॉट बन के नहीं रह गया, यहाँ पे आप इसके अंदर चैट करने के अलावा बहुत सारी चीजें और कर सकते हो। और इनडायरेक्टली यहाँ पे गूगल ने सबसे बड़ा फायदा ये किया कि अपने सभी प्रोडक्ट के अंदर इसे इंटीग्रेट कर रही है, सिर्फ एक जगह तक लिमिट नहीं रही। ChatGPT क्या आपका ChatGPT वेबसाइट तक है, आपको इसकी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा नहीं। और इसके साथ ही इसके अंदर भी लिमिटेड यूज के सिर्फ, और 90% जो एप्स जो अभी हम यहाँ पे यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं ChatGPT के API का यूज करके ही बनी हुई है। लेकिन Gemini के साथ बात यह है कि Gemini ने ऑलरेडी जिन प्रोडक्ट का आप लोग यूज करते हैं वहाँ पे इस चीज को ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दिया। इवन ये माइक्रोसॉफ्ट से भी एक कदम आगे, जब माइक्रोसॉफ्ट ने को पायलट वगैरह को इंटीग्रेट किया, वहाँ पे AI और OpenAI को इंटीग्रेट करी यही चीजें, गूगल ने यहाँ पे ज्यादा तेजी से काम किया और AI वाली रेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ा। इवन यहाँ पे Gemini के अंदर मैंने एक और इम्प्रूवमेंट देखा कि यहाँ पे जो चीजें रहती है ना बहुत तेजी से इवॉल्व और बेटर हो रही है, यानी कि वीडियो जनरेशन, फोटोग्राफ की एडिटिंग, ये सब बेटर हो रहा है, जिस तरीके से काम करते हैं वो भी बेटर हो रहा है। और गूगल भी Gemini को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है, मतलब कि आज के समय में Gemini AI Pro का जो सब्सक्रिप्शन होता है स्टूडेंट्स को एक साल के लिए फ्री में दिया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। किसी को अगर AI का यूज करना है, सीखना है, प्रो लेवल पे काम करना है, तो वहां पे काफी अच्छा है। यहाँ तक कि पिक्सल डिवाइसेस के अंदर भी गूगल AI Pro का एक साल का सब्सक्रिप्शन ये लोग दे रहे हैं, ताकि लोग एक बार ले एक्सपीरियंस करे प्रीमियम फीचर को और उसके बाद यहाँ पर आए, तो ये ट्रायल वाली चीज भी काफी अच्छी है। और तो और Gemini का ऐसा नहीं कि सिर्फ वो प्रो वर्जन यूज करते हो, नॉर्मल फ्लैश सभी के लिए अवेलेबल है, और यहाँ तक कि आपको नैनो वर्जन भी देखने को मिलता है जो आप अपने ऑन डिवाइस चला सकते हो, तो ये भी कुछ चीजें। और देखा है तो हर जगह AI वाली जो चीज है वो फैलती जा रही है, और इनडायरेक्टली AI का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपको सारा काम करके दे देगी। AI एक टूल के रूप में आता है जो आपकी हेल्प करता है, यानी कि अगर फोटोग्राफ एडिट करनी है तो उसके अंदर आपको गाइड करना पड़ेगा आपको कि फोटोग्राफ के अंदर वो क्या क्या चेंज है, किस तरीके से मैं वहां पे दिमाग आपका लगेगा। यहाँ तक की बात करें गूगल में कैनवस मोड आता है जहाँ पे आप कोड कर सकते हो और अपना खुद का अगर एक छोटी मोटी ऐप बिल्ड करनी है तो वो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे जिसका यूज करके वो यहाँ पे कर पाए। लेकिन लोग बिना कोडिंग करे भी एक वेबसाइट, एक छोटा वेब बेस्ड गेम यहाँ पे क्रिएट कर पा रहे हैं। और तो और बात करें तो ये चीजें ना एक टूल के रूप में बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी, यानी कि अगर 2 घंटे अगर आपको काम करने में लगते थे और AI का यूज करके ये काम अगर आपको 15 से 20 मिनट में अंदर हो रहा है, तो ये बहुत ही एडवांस चीज है। टाइम से होगा, AI का यूज करो तो ये चीज है। और इनडायरेक्टली मैं हमेशा कहता हूँ AI एक टूल है, ये यूजर्स को कभी रिप्लेस नहीं करने वाला, और AI के आने के बाद चीजें और बेटर ही होंगी, तो ये चीज है। और सिंपल सी बात है कि अगर AI को अगर आप लोग अपनाओगे, अपने डेली यूज में लोगे, तो आप ही का बेनिफिट है, आप रिप्लेस नहीं होगे, नहीं तो AI उन लोगों को रिप्लेस करेगा जो रिपीटेटिव काम और एक जैसे काम करते। क्रिएटिव काम अभी भी इंसानों के ऊपर है और उसी में यहाँ पे काम है, और इसी वजह से जो AI है वो यहाँ पे लगी हुई है। देखते आने वाला फ्यूचर में क्या रहता है Gemini के अंदर और क्या चीजें देखने को मिलती है, लेकिन हाल फिलहाल देखा जाए तो जिस चीज से यूजर बेस Gemini का इंक्रीज हो रहा है, जिस तेजी से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और गूगल अपने हर प्रोडक्ट के अंदर AI को इंटीग्रेट करता जा रहा है, Gemini के लिए बहुत ही सही चीज रहेगी। और सच बता रहा हूँ, ChatGPT की बात आप कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय लोग Gemini को शायद ज्यादा प्रेफर यहाँ पे करेंगे, और धीरे धीरे और प्रोडक्ट में भी चीज देखने को मिलेगी, और इवन हार्डवेयर जहाँ जहाँ पे एंड्रॉइड पहुंच रहा है वहां भी Gemini का इंटीग्रेशन, चाहे वॉचेज हो, चाहे स्मार्ट टीवीज हो, हर जगह ये चीज आसानी से पहुंच जाएगी। गूगल इसका काफी अच्छे तरीके से और स्मार्टली यूज कर रहा है। देखते हैं फ्यूचर क्या रहता है Gemini का, आप लोग किस तरीके से यूज करते हो, नहीं भी करते अपनी बात नीचे कमेंट बताएं। और वीडियो में अगर आपने कुछ भी नहीं सीखा तो सब्सक्राइब कहीं मत जाना। थैंक यू बने रहने के लिए, मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।